हे वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी के जो इंटर स्तरीय परीक्षा था वो काफ़ी अच्छा गया है सभी लोगों के लिए, और जो लोग इस परीक्षा में सफल हो गए हैं उनके लिए अपने उनके दिमाग में काफ़ी सारा टाइपिंग को लेकर के एक मिथ चला हुआ है जो मैं इस वीडियो में काफ़ी क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर में टाइपिंग किस तरीके से करेंगे वो, आखिरी सेकेंड स्टेज को किस तरीके से क्रैक कर पाएंगे। उनके लिए मैं काफ़ी एक सही प्लानिंग के थ्रू आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को टाइपिंग करना चाहिए, और बिगिनर जो है टाइपिंग नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख कर आप लोग समझ आएंगे किस तरीके से हमें टाइपिंग करना चाहिए। मैं सारे रूल्स को मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप लोग इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि हमारे तरफ से जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। दोस्तों बिहार इंटर स्तरीय जो परीक्षा था जो कि बीएसएससी के तरफ से बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जारी किया गया था, उसमें फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट दे दिया गया है, उसमें मेरिट लिस्ट बना दी गया है और वो सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हैं जो कि सेकेंड स्टेज आपका होता है टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो टाइपिंग में काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उनके दिमाग में जिसको मैं इस वीडियो में काफ़ी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं टाइपिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास में पॉइंट्स हैं, मैंने उसको नोट डाउन करके रखा है और वो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग को हेल्थ के ऊपर आप लोग को कॉन्शियस रहना होगा कि अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपका हेल्थ एनी मतलब किसी भी प्रॉब्लम से अगर किसी भी इशू आता है तो वो आप लोग को डायरेक्ट आपके टाइपिंग स्पीड के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल मतलब कि हल्के दिमाग से मत दीजिएगा, ये काफ़ी बेहतरीन एक बेसिक सा आपको रूल्स है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप लोग जब तक आपका टाइपिंग स्पीड क्लियर नहीं होता है, टाइपिंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तब तक आप लोग आप अपने हेल्थ के ऊपर काफ़ी बेहतर अच्छे तरीके से ध्यान रखें। दूसरा जो आपका होता है पेशेंस, ठीक है, ये बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता है कि जैसे ही वो लोग टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं उनके पास में पेशेंस की कमी हो जाती है कि वो लोग आज से स्टार्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि हमारा टाइपिंग स्पीड ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये टाइपिंग का स्पीड है वो अचानक ग्रो नहीं होता है, ये जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो निरंतर अब वो प्रैक्टिस में होते हैं तब जा करके वो काफ़ी एफर्ट लगाते हैं तो उनका टाइपिंग स्पीड ग्रो होता है। लेकिन हाँ, आप लोगों को बेसिक्स आप लोगों को पर डे प्रैक्टिस करना होगा, मतलब कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो आपका होता है टॉपिक है वो है आई कॉन्टेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर आप लोग टाइप करते हैं या फिर कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं या फिर टाइपराइटर पे भी करते हैं, तो वो ज़माना तो चला गया जो टाइपराइटर पे था, तो अब जितने भी लोग टाइपिंग करते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो उनका एक जो आदत हो जाता है वो बार बार टाइप करते वक्त और कीबोर्ड के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप टाइपिंग सीखने जाते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना हो कि हमारा जो आई कॉन्टेक्ट है वो बिल्कुल हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग बीच में अगर कीबोर्ड देखें, कभी आप लोग मॉनिटर स्क्रीन को देखेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वो एक जो कनेक्शन जो होता है वो आपका टूट जाता है टाइपिंग करते वक्त और आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कभी आप कीबोर्ड देखेंगे कभी आप मॉनिटर देखेंगे, तो उस समय आपका जो कंटिन्यूअस जो आपका बना हुआ है जो एक ऑटोमेटिक जो बन जाता है इन्वायरमेंट है वो आपको ख़राब हो सकता है। तो आप लोग कभी भी टाइपिंग करते वक्त आप लोग कीबोर्ड के ऊपर ध्यान बिल्कुल ना दें, आप लोग स्टार्टिंग से ही मॉनिटर ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे पहले आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका जो एक शेड्यूल जो है वो इंटरैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपको मॉनिटर स्क्रीन के साथ में, ठीक है। लेकिन अचानक कभी भी बाय मिस्टेक कभी मतलब बिगिनर हैं तो देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जब आप एक बिगिनर लेवल से आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पर जाते हैं तो आप लोग मॉनिटर स्क्रीन पर ही आप फोकस करिए, कीबोर्ड के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है सिटिंग पोजिशन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग टाइपिंग अगर जैसे इतना अच्छे से आपको मतलब जितना अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छे से आपको सेटिंग पोजीशन भी आना चाहिए, ठीक है। आप लोग सेटिंग पोजीशन किसी भी चेयर पर बैठिए जो कि फ्लैट होना चाहिए, उसके बाद में 90 डिग्री से एंगल पर आप बैठिए बिल्कुल फ्लैट, आप लोग का बैक सपोर्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, आप लोग लूज होकर के टाइपिंग बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके टाइपिंग स्पीड में आपको एक ब्रेकर का काम करेगा, ठीक है। अगर इसका आपको प्रैक्टिकल भी देखना है तो आप लोग दोनों सेटिंग
पोजिशन को एक आप आराम से लूज होकर के टाइपिंग कीजिए और एक बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से बिल्कुल और 90 डिग्री एंगल के थ्रू आप लोग टाइपिंग करिए बिल्कुल स्ट्रेट। आप लोग देखिए दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करना। आपको रेगुलर पर डे आपको चाहे वो शेड्यूल बना लीजिए कि आप लोग एक घंटा प्रैक्टिस करना है, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल जो है उसको सेट करिए और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। और ये काफ़ी ज़्यादा सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, आप लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो आप लोग चाहे साल भर करें, दो साल करें या पाँच साल टाइपिंग कीजिए, आप लोगों को कभी भी ग्रो होने वाला नहीं है, ठीक है। जो लोग एडवांस यूजर होते हैं, जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो बीच में अगर टाइपिंग छोड़ भी देते हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। वो एक से दो दिन, एक सप्ताह के अंदर में वो आपका जो उनका जो एक्यूरेसी और स्पीड है वो गेन कर लेते हैं। लेकिन वो पहले जब वो सीख रहे थे, जब वो बिगिनर थे, तो उनको कंसिस्टेंसी के ऊपर काफ़ी फोकस उन लोग किए होंगे और उनको एक जो एडवांस लेवल में आ ही गए हैं तो जाहिर से बात है कि वो अपना जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन कर लेंगे काफ़ी दिन कंसिस्टेंसी छोड़ने के बाद भी, ठीक है। तो इसका काफ़ी ख्याल आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो एक्यूरेसी होता है, ठीक है। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है बिगिनर लेवल के लिए कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही सीखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके आप लोग देखिए गलती कम करना मत करिएगा। आप लोग जैसे ही आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करिए एक एक अक्षर को, ठीक है, आगे चल के वो आपका एक्यूरेसी ही आपका स्पीड में आपको ग्रो करने का काम आएगा। अगर आप लोग मान के चलिए कि बहुत रफ्तार में आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन गलती वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर से बात है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी डाउन होगा और टाइपिंग स्पीड जो है वो काफ़ी कम दिखेगा। तो इससे आप लोग को यह होगा कि आप लोग बाई प्रेशर हो जाइएगा, ठीक है, प्रेशर में आ जाएंगे और आप लोग का दिमाग जो है वो एकदम मतलब कि कंफ्यूजन में हो जाएगा कि हम टाइपिंग इतना स्पीड में करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा टाइपिंग स्पीड कम दिखता है। तो इसका एक ही कारण है, वो है एक्यूरेसी का। आप लोग स्पीड आप लोग मेंटेन करिए विथ एक्यूरेसी, आपको स्पीड है वो 110% 7 दिन के अंदर में ही वो आपका एकदम निखार वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जो बिगिनर हैं वो 80-85 प्लस में अगर उनका एक्यूरेसी आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड जो रिकमेंड करता है उनको 95 प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना जितनी ज़्यादा गलतियाँ होगी वो आप उस टाइपिंग स्पीड से आप लोग वहाँ पे बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं वो है लेआउट के ऊपर कि काफ़ी सारे लोग हैं जो टाइपिंग करने से पहले कुछ लेआउट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक बीएससी के जो इंटर स्तरीय परीक्षा में जो लोग पार्ट टू में जो जैसे कि स्टेज टू में गए हैं क्वालिफाई किए हैं उनको टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है, वो काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि ये मंगल फॉन्ट रेमिंगटन के जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको हम क्लियर कट कर देने वाले हैं कि लेआउट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद में आपको मंगल, कृति देव या फिर इंग्लिश वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। दुनिया में जितने भी टाइपिंग होते हैं वो तीन लेआउट के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। पहला जो फर्स्ट होता है वो जनरल सभी लोग करते हैं हम लोग, वो होता है इंग्लिश टाइपिंग लेआउट, वो क्विटी कीपैड आप लोग कहते हैं, आप लोग मोबाइल के ऊपर भी दिख जाएगा वो कीबोर्ड, आप लोग को लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखता है, लैपटॉप का कीबोर्ड उस पर भी दिखेगा, मतलब ओवरऑल कहीं पर भी आप लोग वो स्क्रीन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको क्विटरी कीबोर्ड बोलते हैं, वो आपको हर जगह मिलेगा। ये नॉर्मल सा है, इंग्लिश का लेआउट कहीं भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, आप लोग को एक ही लेआउट मिलेगा, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, उसमें कोई भी लेआउट का डिफरेंस नहीं होता है, ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो किसी भी एसएससी लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या फिर मतलब कि सेंट्रल लेवल का, सभी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश के लिए एक ही लेआउट होता है, ठीक है। सेकेंड जो बढ़ते हैं वो है हिंदी का टाइपिंग का लेआउट। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें दो तरह के लेआउट आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला जो होता है वो कृति देव फॉन्ट के लिए लेआउट मिलेगा और दूसरा जो होता है वो यूनिकोड हिंदी टाइपिंग के लिए मिलेगा। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेजर एकदम डिफरेंस है, आपको कीबोर्ड लेआउट देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं हार्डवेयर कीबोर्ड के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को हार्डवेयर चेंज हो जाएगा, कीबोर्ड हार्डवेयर कंपनी एक ही बनाती है लेकिन जहाँ पे हम लोग टाइपिंग करने जाते हैं उसका लेआउट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हिंदी में कृति देव लेआउट के ऊपर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आपके स्क्रीन पर जो अभी आप लोग को दिख रहा है वो लेआउट है, वो कृति देव लेआउट है हिंदी फॉन्ट के लिए, ठीक है। ये काफ़ी रिकमेंड होते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप लोग को किसी भी हिंदी टाइपिंग में अगर आप लोग देने जाएंगे किसी भी परीक्षाओं को तो वो इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन
कुछ समय के बाद में वो काफ़ी लोग हैं जो ये रिकमेंड करते हैं कि अब मंगल टाइपिंग के ऊपर भी रिकमेंड कर रहे हैं एग्जामिनेशंस बोर्ड, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल फॉन्ट और कृतिदेव में बस लेआउट में बस थोड़ा सा अंतर है। मंगल जो फॉन्ट होता है वो यूनिकोड फॉन्ट होता है, वो काफ़ी लेटेस्ट फॉन्ट है और काफ़ी सभी एग्जामिनेशंस बोर्ड हैं वो अब रिकमेंड करते हैं कि हमारे जितने भी जो भी यूजर्स आप लोग सीखेंगे आप टाइपिंग उसको अब मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे सीखते हैं, ठीक है। मंगल फॉन्ट लेआउट के बारे में हम बात करें तो इसमें तीन लेआउट आपको मिलने वाला है। सबसे पहला आपको मिलेगा मंगल रेमिंगटन गेल लेआउट, दूसरा होता है मंगल CBI लेआउट और तीसरा होता है मंगल इनस्क्रिप्ट लेआउट, ठीक है। ये मंगल फॉन्ट काफ़ी लेटेस्ट फॉन्ट है और लेटेस्ट आप इधर लेटेस्ट हुआ है, लेकिन ये इसका जो काम जो है वो बहुत पहले से होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड इसको लागू कर रहा है वो हम लोगों के बीच में सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने टाइपिंग के ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो बनाया है, आप लोग आई बटन से जाइए और वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल किस तरीके से रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ दिखता है, किस तरीके से रिजल्ट का जो रूल्स होता है उसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप समझ गए होंगे कि तीन तरह का लेआउट आपको लेआउट मिलेगा। सबसे पहला इंग्लिश लेआउट, ठीक है, जो काफ़ी कॉमन है, सभी जगह यूज होते हैं, वही लेआउट रहेगा। दूसरा जो होता है हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव फॉन्ट का लेआउट। तीसरा जो होता है मंगल यूनिकोड फॉन्ट लेआउट, ठीक है। इसमें आपको तीन मिलेगा, मंगल रेमिंगटन गेल, मंगल CBI और तीसरा होता है इनस्क्रिप्ट लेआउट, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि कोई भी बोर्ड जब कैलकुलेशन करता है टाइपिंग का स्पीड के ऊपर, तो वो दो ही फॉर्मेट में आपको कैलकुलेशन को आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। पहला जो कॉमन हो जाए वो स्टैंडर्ड जो है वो WPM मतलब वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये सभी जगह कॉमन है, ठीक है। लेकिन किसी भी आजकल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आजकल के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी रूल्स ऑफ फॉलो कर रहे हैं वो की स्ट्रोक के ऊपर आप लोग को रिजल्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों को कन्फ्यूजन जो आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। वर्ड पर मिनट क्या होता है कि आप लोग को जितना भी आप लोग को वहां पे पैराग्राफ दिया जाएगा वो सारे के सारे एक वर्ड में आपको सेट रहेगा, ठीक है, मतलब उसको WPM में कहेंगे वर्ड पर मिनट। उसके बाद में अगर हम लोग की स्ट्रोक की बात करें तो उसमें जितने भी पैराग्राफ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप लोग को एक एक कैरेक्टर को की स्ट्रोक कहा जाता है, तो एग्जामिनेशंस जितने भी कंट्रोलर होते हैं वो की स्ट्रोक को फॉलो करते हैं कि आपका जो शुद्धता है वो हम की स्ट्रोक में जांच करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल है की स्ट्रोक से जाँच करने का। इसमें आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी डाउन दिखेगा अगर की WPM और ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो। अगर जो लोग WPM में ही अगर आप लोग अच्छा स्पीड करते हैं और उनका रिजल्ट अगर की स्ट्रोक में दिखा दिया जाए तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट देने का मेथड आप लोगों को दो ही होता है, WPM और की स्ट्रोक के हिसाब से, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग का एक्यूरेसी सही रहेगा तो वो आपका टाइपिंग स्पीड WPM में भी सही आएगा और की स्ट्रोक में भी सही आएगा, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है, अगर मतलब पूरा डिटेल में वीडियो उसको देखना है तो आप लोग आई बटन से चेक करिएगा, उसमें मैंने काफ़ी क्लियर कट बता दिया है कि किस तरीके से जो बोर्ड हैं वो रिजल्ट को काउंट करते हैं, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन को यूज़ करना है और आप अपने टाइपिंग स्पीड को निरंतर ग्रो करते रहिए, ठीक है। आई होप इस वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को ताकि उनको भी इस तरीके का वीडियो आपको मिल सके, वो लोग भी इस तरीके का नॉलेज उनको भी मिल सके, ठीक है। आई होप ये सारे वीडियो को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।